हेलो एवरीवन। सो यार, बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न था ये कि भैया ISI का इंटरव्यू होने लग गया है अभी। बहुत सारे PG के जो भैया है पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, उनका हो रहा है। UG के जो स्टूडेंट है उनका भी इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ज़रा इसकी थोड़ी प्रिपरेशन करा दो, उसके लिए वीडियोस बना दो। सो यार, ये जो वीडियो होने वाला है वो UG वाले बच्चों के लिए होने वाला है। अगर आप PG कैटेगरी से हो या फिर PhD, MTech एंड अदर कोर्सेज करना चाहते हो, तो आपके लिए जो है PG कैटेगरी का इंटरव्यू कैसे होता है उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और UG वालों के लिए आगे हो तो UG वाला भी वॉच करके जाओ, ठीक है? इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सर जो है जस्ट लाइक आप बिल्कुल भी, पहले तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। एंड ऑलमोस्ट 99.99% स्टूडेंट का जो है ये पहला इंटरव्यू होने वाला है ISI का। सो इसके लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे रूम के अंदर इंटर करना है, क्या सारा सीन है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं ड्रेस की, राइट? क्योंकि कपड़े भी मैटर करते हैं, राइट? तो आपको जो है सिंपल जूते डाल लेने हैं, ओके? और एक नॉर्मल ड्रेस लगा लेनी है, या फिर आपके पास टाई टाई वगैरह आप डालते हैं तो आप टाई भी डाल सकते हैं। देन जो भी आपका रूम नंबर आपको दिया गया है 13-14, जो भी आपको अलॉट हुआ है उसके अंदर आपको जाना है। एंड सिंपल जैसे ही आप रूम के अंदर इंटर करते हैं तो बीच के अंदर जो है एक चेयर पड़ा होगा, ठीक है? एंड आपके जो है बोर्ड मेंबर बैठे होंगे तकरीबन 6 से 7 या फिर 8-10 भी मेंबर हो सकते हैं। एक बड़ी सी मतलब जो भी उनकी कमिटी होगी, जैसे आजकल आपने IAS वगैरह के तो बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, आपने वैसा वैसा आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। वो जितने भी सारे टीचर होंगे वो ISI के प्रोफेसर्स होंगे, तो आपको पहले बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? आप जैसे ही जाते हैं वहाँ पे बीच में एक चेयर पड़ा होगा, आपको चेयर के ऊपर बिल्कुल भी बैठना नहीं है, आपको चेयर के पास जाके खड़ा हो जाना है। इतने दो दिन पहले क्या होता था, कोविड से पहले जो है बच्चे हाथ वगैरह भी मिलाते थे, लेकिन अभी जो है कोविड चल रहा है तो आप सभी को पता है हाथ वगैरह मिलाना नहीं है, और आप जस्ट मास्क यूज कर सकते हो, ठीक है? तो जस्ट आप जैसे ही चेयर के पास जाके खड़े होते हो, आपको सीटिंग के लिए कहा जाएगा, तो आपको सीट पे बैठ जाना है और थैंक यू बोलना है, सिंपली थैंक यू सर, और एक छोटी सी स्माइल करनी है, ओके? मतलब अच्छी स्माइल करनी है, स्माइल करना सीख लो, ओके? अब जैसे आप स्माइल करते हैं, फिर आपको पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन, और ऑल ओवर द पूरी लाइफ में आपसे यही पूछा जाएगा जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू देते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है? क्योंकि उनको नाम वगैरह तो पता होता है, या फिर आप वो ऐसे भी बोल सकते हैं, येस योर नेम इज़ कमल, ठीक है? बस आपका उनको बेसिक क्वेश्चन यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसके अंदर हमें जवाब क्यों देना है, क्या देना हमें जवाब? क्योंकि यार आपने जस्ट बेसिकली 12th पास किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, राइट? आपके बहुत बड़े बड़े कारोबार होंगे, तो आप उनको ये सब बताना है कि आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ दिस फलाना फलाना कंपनी, राइट? सो आपको क्या आंसर देना है, एक 12th क्लास के बच्चे को, एक 11th क्लास के बच्चे को क्या आंसर देना चाहिए? और जो इसरो के जो भी 9th क्लास वाले बच्चे होते हैं उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें आपको क्या आंसर देना है, यार आपका अगर 12th का रिजल्ट आ गया देन आपको सिंपल ये बताना है, सर माय नेम इज दिस, माय नेम इज कमल किशोर सैनी एंड आई कंप्लीटेड माय 12th क्लास फ्रॉम द LN करियर इंस्टीट्यूट कोटा, ओके? आई एंड आई पासिंग मार्क्स विथ दिस पासिंग मार्क एंड 11th क्लास दिस पासिंग मार्क, ठीक है? झूठ मत बोलना, क्योंकि उनके पास जो है आपकी मार्कशीट पूरा चित्रा लिखा होता है कि आपके कहाँ कहाँ पे कितने मार्क्स आए। 11th क्लास आपको बताना है, आई कंप्लीटेड 10th क्लास फ्रॉम दिस कॉलेज, ठीक है? 10th तक ही रखना है, नीचे नहीं जाना है, ओके? फिर आपको क्या बताना है, एंड आई एम फ्रॉम जस्ट दिस स्टेट, ओके? एंड जस्ट जो भी इतना ही बताना आपको। देन आपको जो है सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वाई यू आर डिजर्व ISI, ठीक है भैया? इसका क्या आंसर देना है। एंड यार जो बच्चे ISI में जा रहे हैं उनका मेन मोटिव क्या है, रिसर्च है, ठीक है? पिछले जो है 2 साल से हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन रेशियो आपको पता है 0.1% सिलेक्शन रेशियो रहता है, क्योंकि जो हम 10,000 बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं सीटें सिर्फ 100 सीटें हैं, ठीक है? दिल्ली कैंपस में, कोलकाता कैंपस में, चेन्नई कैंपस के अंदर मान लो, ठीक है, कुछ ही सीटें हैं, मतलब सभी का तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको क्या प्रिपरेशन करनी है।
राइट सो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपने जो भी पेपर दिया है आप उनको जो आपकी जो सीट सीट होती है ना क्वेश्चन वाली, तो वो उनके पास रहती है। तो जो है आपको वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रहता है आजकल, ठीक है, सिंपल ब्लैक बोर्ड होता है जो भी ISI दिल्ली में है या फिर कोलकाता में आपका जहाँ पर भी इंटरव्यू होता है वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा होगा। तो आपको बोर्ड पे क्या करना है, आपसे क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। कौन से क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, पहले आपसे एक टॉपिक भी पूछा जाएगा कि आप किस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। स्पेशली मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज़्यादा सा रहता है और फिजिक्स वाला बंदा बड़ा ही खतरनाक होता है, फिजिक्स वाला बहुत खतरनाक बंदा है वहाँ पे ISI के अंदर। आपको जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और जस्ट लाइक सेमी कंडक्टर पर ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग, एंड जो भी हमारे चिप सिस्टम होते हैं थ्योरी जो है आपको, जो आपका 5वां चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक वाला, मैग्नेटिक वाला, चुंबक वाला, उसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें, ओके। एंड जस्ट आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे और नॉर्मल क्वेश्चन होगा। पहले आपको बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से क्वेश्चन पूछेंगे, छोटे छोटे। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप ठीक से लिखने लगेंगे बोर्ड वगैरह पर, फिर वो थोड़ा सा टफनेस की तरफ जाएंगे। और यार उनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि आप जस्ट आपको वो क्वेश्चन के अंदर फंसा सकें या फिर वो अगर चाहे कि आंसर दे रहा है तो उसको आंसर ना दे ना दे, इसका बिल्कुल नहीं है। वो जस्ट आपका सिंपल देखते हैं कि क्या दम है कि नहीं है बंदे में, और रिसर्च के अंदर आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट फॉर ISI। और आप सभी को पता है ISI जो है आपको सामने से पैसा दे रहा है, ठीक है, आपसे एक भी पैसा ले नहीं रहा है, सामने से पैसा दे रहा है आपको कि आप ISI में पढ़ रहे हो इसलिए ISI पे यू, राइट। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको जो सिंपल ये सारा क्वेश्चन हो गया, अब आपको जो है आपके जितने भी आप जस्ट पेपर दे के आए हो उसको पूरा का पूरा सोल्व कर लो आप, ठीक है। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो जैसे आपने न्यूमेरिकल आपने किया है तो जो है आपको वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं वहाँ पे, तो आप उसको जो है सोल्व करके रखो। आपके पास जो पेपर दिया गया है उसको आप सोल्व करके पूरा खूब तैयार करके रखो अपने पेपर को। और आपको जो है बुक दिया गया है टीम की तरफ से टोमेटो बुक, ठीक है, जो भी टोमेटो बुक है टोमेटो बुक को खूब पढ़ के रखो, राइट। खूब जो उसमें जो क्वेश्चन दिया गया खूब जचा के लगाओ उस क्वेश्चनों को, राइट। JEE की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहो, टोमेटो बुक को भी पढ़ते रहो, ठीक है। एंड JEE से बहुत सारे क्वेश्चन मैचेज होते हैं इसमें। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ISI के अंदर, तो जस्ट आपको ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मार्क्स बता दें, ऐसा भी नहीं है बहुत कम बता दें, तो आपको जो है नॉर्मल मार्क्स बताने हैं जितने आपके आ रहे हैं, राइट। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं देन इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस तो है एडमिशन के, राइट। सो ये सारा सीन है। फिर जो है ये इंटरव्यू जो चलता है वो यार जो है 25 से 30 मिनट का चलता है, और अगर आपका इंटरव्यू आगे तक जा रहा है यानी कि आपका इंटरव्यू 30 मिनट से आगे अगर बढ़ रहा है देन यू मस्ट रिमेंबर डेट जो बोर्ड मेंबर्स है उसके जो उनका जो है आपके अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल यार पैनिक नहीं होना है क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का छोटा सा इंटरव्यू होने वाला है 10th क्लास के बाद, एक छोटा सा, मतलब आप क्या ही कहें ऐसे इंटरव्यूज़ के बारे में। और जस्ट लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू होंगे तो आपको इसको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अगर फेल भी हो जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। क्योंकि जो है सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 0.01% का है और 10,000 बच्चों को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ISI के लिए, राइट। सो इसका आप एक बिल्कुल ध्यान रखें, राइट। और भी बहुत सारे ऑप्शन है यार तुम्हारे पास, ठीक है, ISI तुम्हारी लिमिट नहीं है, तुम्हें भी आसमान छूना है। फिर आपको जो है सिंपल सा बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको जो है कोई भी आपको गलत आंसर नहीं देना है बोर्ड मेंबर्स को। आपको बेसिकली क्या करना है, ठीक है, PPT में चेक करो, आपको सिंपली क्या करना है, सॉरी सर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, देन नो प्रॉब्लम, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई भी बंदा जो है 100% श्योर नहीं होता कि उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। मैं इतने लोगों को पढ़ाता हूँ, मेरे खुद सप्ली आई पड़ी है, ठीक है, 2-2 सप्ली आ जाती है, राइट, पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। जस्ट लाइक पपल्सन है, एरोडायनेमिक्स है, पिछले सेमेस्टर में 2 सप्ली आ गई थी मेरे, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है उस, राइट। तो आप इसका बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको नहीं आता नो प्रॉब्लम, आप सिंपल सॉरी बोल दो, सॉरी सर, ठीक है। आपको थैंक यू बोलेंगे वो लोग, थैंक यू सर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, सर नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, आप जा सकते हैं, आपको थैंक यू बोलना है। एंड आप जिस भी बोर्ड मेंबर से बात कर रहे हैं, एक बात, आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि पहले जो कॉर्नर वाला या फिर बीच वाला पूछेगा देन आपको क्या करना है, आपको जस्ट उसके सामने देखना, जस्ट मेरी तरह गर्दन नहीं झुकाना। जैसे मान लो मेरे सामने ये कोई टीचर है मान लो, तो मेरे को उससे ये बोलना है, हेलो सर दिस साइड कमल किशोर सैनी एंड आई कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम द
जस्ट लाइक एलएन करियर इंस्टीट्यूट, ओके कोटा, एंड आई कंप्लीटेड माय 10th क्लास फ्रॉम टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, सरौरी, राइट, एंड प्रेजेंट टाइम आई जस्ट लाइक कंप्लीटेड विद दिस मार्क्स, ओके, एंड जो भी आपको सिंपल बोलना है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, देन डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आप जो है थैंक यू बोल के धीरे धीरे जस्ट रूम से निकल सकते हैं, ठीक है, और आपको ज़्यादा हंसना भी नहीं है, उदास भी नहीं रहना है, बिल्कुल हंसमुख चेहरे के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप यू आर क्लियर द ISI इंटरव्यू, और मुझे जस्ट आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि फ्यूचर के अंदर आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन के देश के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।